लाल सागर में मचा भयानक बवाल, हूती विद्रोहियों ने जहाजों को बनाया निशाना, सुपर पावर का चढ़ा पारा हुआ बवंडर। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू रही थी। कोरोना संकट से जूझने के बीच इस तरह की खबर देश के लिए अच्छी नहीं थी, लेकिन पीएम मोदी की सूझबूझ से इस आपदा को देश ने अवसर में बदल दिया। हालांकि इसके लिए पीएम मोदी को दुनिया भर में संघर्ष करना पड़ा, लेकिन वो कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। और आखिर जब दुनिया तेल की किल्लत से जूझ रही थी, ऐसे वक्त में देश को सस्ते दामों पर रूस से तेल मिला। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हुआ, आखिर सरकार ने कौन सा खेला किया। तो दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध में पश्चिम देश यूक्रेन के साथ हैं और रूसी हमले के विरोध में पश्चिम ने रूस का बायकॉट कर दिया। ऐसे में रूस की इकोनॉमी चरमरा सकती थी, लेकिन ऐन वक्त में पुराने दोस्त भारत ने साथ निभाया और रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया। रूस ने भी दोस्ती निभाते हुए सस्ते दामों में देश को तेल की सप्लाई की है। हालांकि पश्चिम ने लगातार भारत को अपने खेमे में लेने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया कि हम वही करेंगे जो हमें सही लगता है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर पश्चिम देशों ने रूस पर क्या क्या प्रतिबंध लगाए हैं। तो दोस्तों, 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान जैसे देशों ने रूस पर 16,500 से अधिक पाबंदियां लगाई हैं। इन पाबंदियों का मुख्य लक्ष्य रूस का पैसा रहा है। करीब 350 अरब डॉलर मूल्य के रूसी विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज कर दिया गया है। ये उसके कुल विदेशी मुद्रा भंडार का आधा है। यूरोपीय संघ का कहना है कि रूसी बैंकों की करीब 70% संपत्ति भी जब्त की गई है। वहीं उसके कुछ बैंकों को वित्तीय संस्थानों की हाई स्पीड मैसेजिंग सेवा स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है। उन जानकारियों के निर्यात पर पाबंदी लगा दी गई है जिससे रूस हथियार बना सकता है। रूस से सोने और हीरे के आयात पर पाबंदी लगा दी गई है। रूस से आने वाली उड़ानों पर भी पाबंदी है। क्रेमलिन से जुड़े धनी व्यवसायियों पर पाबंदी लगाकर उनके नौकाओं को जब्त कर लिया गया है। रूस का तेल उद्योग इन पाबंदियों का एक और प्रमुख लक्ष्य रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन ने रूसी तेल और प्राकृतिक गैस पर पाबंदी लगा रखी है। वहीं यूरोपीय संघ ने समुद्री रास्ते से कच्चे तेल के आयात पर पाबंदी लगा दी है। दुनिया की 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के संगठन G7 ने रूस की आय कम करने की कोशिशों के तहत रूसी कच्चे तेल की अधिकतम कीमत $60 प्रति बैरल तय की है। दोस्तों, इसके अलावा इस युद्ध के शुरू होते ही तमाम कंपनियों ने देश छोड़ दिया। आप सोच रहे होंगे कि किन किन कंपनियों ने रूस छोड़ा। तो दोस्तों, मैकडोनाल्ड, कोका कोला, स्टारबक्स और हेनिकेन समेत सैकड़ों बड़ी कंपनियों ने रूस में सामान बेचना और उत्पादन करना बंद कर दिया है। हालांकि अभी भी कुछ कंपनियां रूस में कारोबार कर रही हैं, जैसे पेप्सिको पर रूस में अपने खाद्य उत्पाद बेचने का आरोप है। दोस्तों, इन प्रतिबंधों के आधार पर पश्चिम चाहता था कि भारत भी रूस का बहिष्कार करे, लेकिन भारत ने कहा कि वो अपने हितों की बलि चढ़ाकर किसी और का हित नहीं कर सकता है। दोस्तों, देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मामले में जो भी कहा, उसके बाद किसी को जवाब नहीं मिल रहा है। सवाल उठता है कि आखिर मोदी के चाणक्य जयशंकर ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद पश्चिम में सन्नाटा छा गया। अमेरिका पानी पानी हो गया। तो दोस्तों, जयशंकर से सवाल पूछा गया था, रूस के साथ व्यापार जारी रखते हुए भारत अमेरिका के साथ अपने बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों को कैसे संतुलित कर सकता है। इसके जवाब में उन्होंने कहा, क्या यह एक समस्या है? यह एक समस्या क्यों होनी चाहिए? हम स्मार्ट हैं, हमारे पास कई विकल्प हैं, आपको हमारी तारीफ करनी चाहिए। जयशंकर की हाजिर जवाबी सुनकर पास में बैठे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी मुस्कुराते रहे। जयशंकर ने कहा कि भारत रूस के साथ अपने संबंधों को बनाए रखना चाहता है, लेकिन यह अमेरिका के साथ अपने संबंधों को भी महत्व देता है। उन्होंने कहा कि भारत दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध रखने में सक्षम है। दोस्तों, देश को महंगाई की चुनौती से बाहर निकालने में मोदी की रणनीति के बाद अब GDP उछाल पर है। लगातार विकास दर में वृद्धि के आंकड़े दुनिया की तमाम एजेंसियां बता रही हैं। ऐसे में एक बुरी खबर आई है जिस पर सरकार बेहद गंभीर है। सवाल उठता है कि आखिर ये कौन सी चुनौती है? सरकार क्यों गंभीर है? लाल सागर में क्यों मचा बवंडर? मोदी ने पुतिन के साथ कैसे किया सॉल्यूशन? तो दोस्तों, इस बारे में डिटेल जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। मोदी ने पुतिन के साथ लिया बड़ा फैसला। अमेरिका, ब्रिटेन लाल सागर में उलझे, भारत ने खोजा नया व्यापारिक रास्ता। दोस्तों, इजराइल और हमास के युद्ध का तनाव लाल सागर में देखने को मिल रहा है। दुनिया के सबसे प्रमुख जलमार्गों में से एक में लगातार तनाव बढ़ रहा है। ईरान का अलबोर्ज युद्धपोत लाल सागर में प्रवेश कर गया है। यमन के हूती विद्रोही लगातार इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन दाग रहे हैं। इसके अलावा हूती विद्रोही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में व्यापारी जहाजों पर हमला कर रहे हैं। हूती विद्रोहियों को ईरान समर्थन देता रहता है। हूती विद्रोहियों पर अमेरिका ने हमला किया था, जिसके बाद ईरान का युद्धपोत लाल सागर में पहुंचा है।
ईरान का यह जहाज लाल सागर में तब पहुंचा जब अमेरिकी नौसेना का यूएसएस जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट से हट रहा है। हुती विद्रोहियों ने यमन के पास मार्सक मालवाहक जहाज पर चढ़ने की कोशिश की। हुती विद्रोही 4 नावों के जरिए गोलीबारी करते हुए जहाज के करीब पहुंचे। जहाज की ओर से मदद मांगी गई, जिसे अमेरिकी नेवी के आइजनहावर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने सुना। अमेरिकी नौसेना का एक हेलीकॉप्टर मदद के लिए पहुंचा, उसने हुती विद्रोहियों की 3 नाव को डुबो दिया, जिसमें कम से कम 10 विद्रोहियों की मौत मानी जा रही है। एक नाव भागने में कामयाब रही। दोस्तों, अमेरिका और ब्रिटेन ने लाल सागर में व्यापारिक जहाजों को निशाना बना रहे हुती विद्रोहियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दोनों देशों की सेनाओं ने यमन में कई जगहों पर हुती विद्रोहियों के ठिकाने पर हवाई हमला किया है। इन हवाई हमलों में हुती विद्रोहियों को बड़ा नुकसान हुआ है, उनके कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। दोस्तों, लाल सागर संकट और रूसी टैंकर कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंधों ने भारत की टेंशन को बढ़ा दिया है। यही कारण है कि भारत और रूस तेल समेत दूसरे वस्तुओं के व्यापार के लिए एक नए रास्ते की खोज की है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारत रूस ने किस मार्ग की खोज की है, ये कितना किफायती होगा दोनों देशों के लिए। तो दोस्तों, लाल सागर संकट ने भारत को पूर्वी समुद्री गलियारे पर विचार करने के लिए मजबूर किया है। प्रस्तावित व्यापार मार्ग कुकिंग कोयला, कच्चे तेल, एलएनजी, उर्वरक और कंटेनरों के लिए एक नया रास्ता हो सकता है। ये चेन्नई के बंदरगाह को रूस के व्लादिवोस्तोक बंदरगाह से जोड़ता है। ईएमसी बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, मलक्का जल डमरू, मध्य दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर और जापान सागर से होकर गुजरेगा। ईएमसी बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर, मलक्का जल डमरू, मध्य दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर और जापान सागर से होकर गुजरेगा। सोवियत काल के दौरान भारत और रूस पूर्वी समुद्री गलियारे का उपयोग करते थे, लेकिन 1990 के दशक के बाद व्यापार की मात्रा कम होने के कारण ये मार्ग व्यवहारिक रूप से निष्क्रिय हो गया था। आज ईएमसी एक बार फिर द्विपक्षीय संबंधों के भविष्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। दोस्तों, पूर्वी समुद्री गलियारे भारत और रूस के बीच कार्गो परिवहन समय में 16 दिनों तक और दूरी में 40% तक की कमी लाएगा, जबकि अभी पश्चिमी समुद्री मार्ग स्वेज नहर के माध्यम से मुंबई से रूस के सेंट पीटर्सबर्ग तक का मार्ग 8675 समुद्री मील या 16066 किलोमीटर तक फैला है। इसके विपरीत ईएमसी के माध्यम से चेन्नई से व्लादिवोस्तोक की दूरी काफी कम है, केवल 5647 समुद्री मील या 10458 किलोमीटर। इससे दूरी में 5608 किलोमीटर की पर्याप्त बचत होती है, जिससे लागत में बेतहाशा कमी आती है और दोनों देशों के बीच कार्गो परिवहन में बेहद आसानी होती है। तो दोस्तों, संकट की इस घड़ी में मोदी के मास्टर स्ट्रोक पर क्या है आपकी राय, कमेंट में जरूर बताएं।